हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म। और आपको बताया कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से या 3 बार 3 पूछी जाती रहती है, जो हमारी अक्सर गलत होती रहती है। तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म की भी तैयारी करते चलेंगे, जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कंप्यूटर की एक कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बगल से बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका एक नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिले, उनको भी अपनी तैयारी करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। हमारी कम स्क्रीन पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ चुकी है और हमारे में पहले में पहली स्क्रीन दिख रही है, पहले स्क्रीन पर पहली फुल फॉर्म दिख रही है AAA। ये दोस्तों MPASI में अभी तक 2 बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि AAA में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। इसकी ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, वो इनको आगे पीछे अरेंज कर देता है। तो फर्स्ट ए से होती है हमारी ऑथेंटिकेशन, सेकंड ए से होती है ऑथराइजेशन, थर्ड ए से होती है हमारी अकाउंटिंग। तो इस तरीके से AAA की फुल फॉर्म क्या हो गई, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है हमारी AAC, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है हमारी ABI, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये CPCT में कई बार पूछी गई है, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये फुल फॉर्म अक्सर आती ही रहती है और कई बार बहुत सारे स्टूडेंटों की गलत भी होती है। नेक्स्ट है हमारी ACL, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव करंट लूप। नेक्स्ट है ACPI, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये हर एग्जामों में आती रहती है, लेकिन जब भी आती है तो मोस्टली स्टूडेंटों की गलती ही होती है, क्योंकि ये हमें बहुत ही देखने को याद करने को बहुत ही कम मिलती है और इसको हम ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि हर एग्जामों में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड कॉन्फिगरेशन एंड पावर इंटरफेस। नेक्स्ट है ADC, उसकी फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारी ADSL, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये DSL का ही एक टाइप होता है, क्योंकि DSL 2 प्रकार की होती हैं, एक ADSL होती है, एक SDSL होती है। तो उसमें से एक दी हुई हमारी ADSL, और इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारी AGP, AGP की फुल फॉर्म होती है एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। फिर नेक्स्ट आती है AI, और AI दोस्तों 5th जनरेशन की एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसका यूज़ रोबोट वगैरह बनाने में किया जाता है और ये कई बार पूछी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट है एल्गोल, इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है हमारी ALU, ALU जो कि आप जानते हैं कि एक CPU का ही पार्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आती है हमारी AMOLED, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हमारी ANSI, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट APCI, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
वैसे दोस्तों सारी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं वो फुल फॉर्म आपको बताते जा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बार आई हैं और जो सबसे ज़्यादा आती रहती है, तो आप उनको भी नोट करते चलें। तो नेक्स्ट हमारी APCI, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारी APCI, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर आती है हमारी APCI, दोस्तों हमने अभी पढ़ा था APCI, और ये फुल फॉर्म हमारी APIC। इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, इन दोनों को आप नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होंगे तो हमारा एक नंबर चला जाएगा, जो हमें कहीं ना कहीं मेरिट से, जो कोई ना कहीं ना कहीं हमें सक्सेस होने से रोक सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी API PA, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारी APL A प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, जो आपके एग्जाम CPCT MPSI MP हाई कोर्ट पटवारी बैंक इन सभी में मोस्टली आती ही रहती है। तो API की फुल फॉर्म होती है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है हमारी ARP, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो एड्रेस के रिजोल्यूशन करने का काम करता है। नेक्स्ट आती है हमारी ARPA, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ARPANET, ARPANET, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ASCI, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जामों में आती रहती है, और ये तो इन सभी फुल फॉर्मों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती रहती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको मोस्टली इस पर ध्यान देना है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन और इंटरचेंज पे, क्योंकि ये एक दूसरे को बदलता रहता है, कभी इंटरचेंज आगे आ जाता है, कभी इन्फॉर्मेशन पीछे पहुंच जाता है, और कभी इनकी जगह दोनों यह कुछ और चीज़ आ जाती है, तो और वर्ड रिप्लेस कर दिया जाता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आती है हमारे AUTH ऑथ IP, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑथेंटिकेशन सॉरी ऑथेंटिकेटेड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अर्थात हमारे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, उनके लिए इंटरफेस का, उनको पहचानने का काम हमारी कौन सी प्रक्रिया करती है? ऑथेंटिकेटेड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है दोस्तों ASP, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हर एग्जाम में आती रहती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म आती है ATE एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर आती है हमारी ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दोस्तों ये सिर्फ थोड़ा बारीक सा अंतर है, कभी ए जोड़ देता है, कभी इसके कुछ और जोड़ देता है, तो आप उसको ध्यान देना है कि आगे का सेम रह रहा है। जैसे ATE एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारी ATA PI, तो इसमें ATA का तो सेम रहेगा, केवल PI का चेंज हो जाएगा, तो इसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस। केवल PI से चेंज हो गया, पैकेट इंटरफेस। उसके बाद आती है हमारी ATM। अब दोस्तों ATM की एक आप जानते हो कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो जैसे आपने DVD की सुनी होगी कि 2 आ चुकी हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वैसे इसकी भी 2 हो चुकी हैं। एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है और दूसरा असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड होता है। अगर दोस्तों हमारे सामने दोनों देखने को मिलती हैं और नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो मैं ये वाली टिक कर
करनी होती है जो लेटेस्ट में होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंट्री का, किसी भी वस्तु का अगर उसका दूसरा नाम रखा जाता है तो जो लेटेस्ट में नाम होता है वही सबसे ज़्यादा मान्य होता है और वही सबसे ज़्यादा उसके रूप में प्रचलित होता है। तो आपको ये सारी चीज़ याद करनी है, तो उसका अगर हमें फुल फॉर्म दोनों देखने को मिलती है तो हमें कौन सी लगाएंगे, असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड, और अगर ये हमें ऑप्शन में नहीं दी है तब तो हम लगाएंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट आती है हमारी AVC, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, और उसके बाद आती है हमारी AVI, इसकी होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये फुल फॉर्म सीख ली अपनी, जो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसकी और फुल फॉर्म कवर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर फुल फॉर्म बहुत सारी होती हैं, इसलिए हम इनको पार्ट बना बना के सीखते जाएंगे और हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते जाएंगे। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।